आज से कुछ दिनों पहले मैंने आपको इसे रिव्यू करके दिखाया था, साथ ही मैंने आपको इसे टेस्ट भी करके दिखा दिया था। ये जो मॉडल है देख सकते हो गोल्ड 601 का ये मॉडल है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो आसानी से आपको मॉडल नंबर देखने को मिल जा रहा है गोल्ड 601। लेकिन आज मैं आपको फिर से एक अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूँ जो कि नया वाला मॉड्यूल होगा, इसे तो नहीं है यूज करने थे वो। मेरे पास है आज फिर से एक क्लास डी का एक एम्पलीफायर बोर्ड और ये मॉड्यूल भी आप बोल सकते हो। देखो यहाँ पर मैं आपको सभी कुछ अभी आपको डिटेल से बताने वाला हूँ, बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ। देखो गाइस सबसे पहले तो आप इसकी जो पैकेजिंग है ये देख लो, और आप अगर चाहते हो कि मैं आपको इसका लिंक दे दूँ तो जरूर मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे देने वाला हूँ, आप इसे चेकआउट जरूर से कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसकी क्वालिफिकेशन कैसी है, ये किस तरीके से काम करेगा और इस पर क्या क्या हमें देखने को मिलता है। TPM 3110 जो कि 30 वाट ड्यूल चैनल का है, डिजिटल ऑडियो पावर एम्पलीफायर है जो कि स्टीरियो पर है, क्लास डी का एम्पलीफायर है जैसा मैंने आपको शुरू में बोल दिया था, और यहाँ पर DC 8 वोल्ट से लेकर DC 26 वोल्ट तक आप इसमें इनपुट दे सकते हो। और ये मैंने मेकर बाजार से परचेस किया था, आप लेना चाहते हो डिस्क्रिप्शन पर इसका मैं लिंक देने वाला हूँ, आप इसे एक बार चेकआउट जरूर से कर लेना, काफी अच्छी क्वालिटी में होगी तो आप इसे बाय कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर इस कट लगा हुआ है, यहाँ से इसे कुछ इस तरीके से ओपन कर लेंगे। ये देखो अब ये बोर्ड आप यहाँ पर देख सकते हो, बोर्ड की जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी है क्योंकि इसका जो थिकनेस है वो भी लगभग दिखाई तो 5 mm के करीब में ही है, और काफी अच्छा क्वालिटी भी हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर देखो हीटसिंग लगा हुआ है, और इस वाले पर अगर बात करें तो यहाँ पर हीटसिंग लगा हुआ नहीं था लेकिन ये भी ओवरहीट नहीं हो रहा था, मैंने आपको इसे चेक करके अच्छी तरह से दिखा दिया था। इस पर देखो यहाँ पर ड्यूअल चैनल हमें देखने को मिलता है जो कि आउटपुट के लिए निकलेगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हो R पॉजिटिव और R नेगेटिव, यहाँ पर L नेगेटिव और L पॉजिटिव है, और यहाँ पर एक सेरेमिक कैपेसिटर्स भी लगे हुए हैं तो ये भी काफी अच्छी बात है। एक छोटा सा यहाँ पर देखो फॉल्ट है, यहाँ पर जो ये वाली कैपेसिटर है कॉइल जो है ये कॉइल यहाँ पर टूटा हुआ है। अब ये कॉइल की वजह से ये काम करेगा या नहीं करेगा मुझे नहीं पता है, लेकिन ये काम तो करना चाहिए। और यहाँ पर देखो मैं कनेक्शन भी साथ में बताता जा रहा हूँ आपको जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ पर आप ऑक्स केबल का लगा सकते हो, कनेक्शन कर सकते हो, यहाँ पर बीच में ग्राउंड ये हो गया लेफ्ट और ये साइड हो जाता है आपका राइट। अब यहाँ पर हमें VCC देना है, 12 वोल्ट दे सकते हो, 8 वोल्ट दे सकते हो, 24-6 वोल्ट तक दे सकते हो, यानी 26 वोल्ट पर दोगे तो भी यह काफी अच्छा काम करेगा। कितना एम्पियर हमें इस पर देना पड़ेगा इनपुट के लिए वो भी मैं आपको अभी बता दूंगा, सबसे पहले इसकी कनेक्शन भी करेंगे। और यहाँ पर एक छोटी सी हमें यहाँ पर LED देखने को मिल जाती है जिससे हमें पता भी चलेगा कि ये काम किस तरीके से कर रहा है। 30+30 वाट स्टीरियो है तो हम यहाँ पर ड्यूल स्पीकर को यूज कर सकते हैं। कनेक्शन के लिए मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ एक ब्लूटूथ पैनल जो कि माइक वाला है, अगर आप इसे भी लेना चाहते हो डिस्क्रिप्शन पर इसका भी लिंक मिल जाएगा, चेकआउट एक बार कर लेना। यहाँ पर देखो सिंपली दो वायर हमें देखने को मिलते हैं, एक है ऑक्स केबल का क्योंकि ये वाला वायर है, और ये है हमारा 5 वोल्ट इनपुट के लिए। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ यहाँ पर स्पीकर कौन सा यूज करने वाले हैं, तो देखो एक है हमारा ये वाला स्पीकर जो कि यहाँ ये है सबवूफर, और ये कितने वोल्टेज का है देखो 8 वोल्टेज का है और 6 ओम्स का है, ये क्लियर है। अब दूसरे वाले को ले लेते हैं, ये देखो ये हमारा एक वूफर स्पीकर है जबकि वूफर तो नहीं आएगा इस पर, ट्रेबल ही सिर्फ सुनने को मिल जाएगा, यह 10 वाट और 4 ओम्स का देख सकते हो, ये वाली क्वालिटी है। अब बस हमारा यही है SMPS से हम इसे ऑपरेट करेंगे जैसा मैंने आपको पहले टेस्ट करके दिखाया था, तो चलो बारी से इसे कनेक्शन करते हैं और इसे टेस्ट करके डायरेक्ट देखते हैं। टोटल कनेक्शन मैंने आपको यहाँ पर करके बता ही दिया है, अब चलो इसे डायरेक्ट अब इसे टेस्ट करके देखते हैं कि टेस्ट करने के बाद देखते हैं किस तरीके से काम करता है। यहाँ पर जो पैनल है पैनल को यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ, सबसे पहले यह है ऑक्स केबल का वायर जिसे मैं यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ, आपको यहाँ पर देख लेना पड़ेगा कौन सा वायर कहाँ पर लगने वाला है, तो ये यहाँ पर लग जाएगा तो इसे मैं यहाँ पर कनेक्ट कर दे रहा हूँ कुछ इस तरीके से, ये कनेक्ट हो गया। अब दूसरा जो हमारा इसका पॉजिटिव पिन आएगा बोले तो बैटरी का कनेक्शन, वो हमें यहाँ पर लगा देना है, ये देखो ये यहाँ पर कनेक्शन जो है ये मैंने कनेक्ट कर दिया है।
अब यहाँ चाहे तो हम यहाँ पर डायरेक्ट इसे कंट्रोल कर सकते हैं, और जो डीसी हमारा आएगा वो यहाँ पर हम इनपुट दे देंगे, जिससे आपको पूरा फ्रेम में सब कुछ दिखता रहेगा। और मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ SMPS, तो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। देखो मैं इस वाले SMPS का यूज करने वाला हूँ, जिसके आप देख सकते हो एम्पियर वोल्टेज सभी कुछ यहाँ पर पहले से दिया गया है। तो आप यहाँ पर देखो 12 वोल्ट 15 एम्पियर यहाँ पर हमें इनपुट देने वाले हैं, तो साउंड क्वालिटी में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, काफ़ी अच्छे साउंड हमें सुनने को मिल जाएगी। क्योंकि साउंड क्वालिटी अच्छी होगी तो आपको भी इसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इससे आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पर इसे कनेक्ट करने के लिए सिंपली यहाँ पर पावर केबल लेंगे, और इसे कनेक्ट करने के लिए एक छोटा सा कनेक्टर ले लेंगे, जिससे हम इसे इनपुट दे सके। तो चलो अब इसे कनेक्ट करते हैं और इसे टेस्ट करके देखते हैं। यहाँ पर जो SMPS है वो चालू हो चुका है, अब यहाँ पर इसे करने वाले हैं ऑन, और ऑन करते के साथ मैं यहाँ पर आपको ब्लूटूथ से चेक करके दिखाने वाला हूँ परफेक्ट काम करेगा या नहीं करेगा, आपके सामने चलने वाला है। यहाँ पर पॉजिटिव का जो वायर है वो मैंने फिलहाल कनेक्शन कर दिया है। आप लोगों में से काफी लोगों का ये कमेंट आ सकता है कि भाई आपने पावर तो दिखाया नहीं, पावर सप्लाई कितनी आप इनपुट आ रही है वो आपने नहीं दिखाया है। तो मैं ये सबसे पहले यहाँ पर आपको जो इसका वोल्टेज है वो मैं आपको मेजर करके दिखाता हूँ, अभी जो वोल्टेज आएगी वो कितनी वोल्टेज हमें यहाँ पर मिलता है देखने को। यहाँ पर पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव पर मैं टच करता हूँ, तो आप यहाँ पर देखो वोल्टेज जो है वो 12.17 के वोल्टेज पर आ रहा है, यानी कि काफी अच्छी वोल्टेज आ रहा है। तो यहाँ पर हमें काफी बैकअप भी देखने को मिलेगा, और साथ ही इसका जो पावर आएगा वो भी काफी अच्छा वोल्टेज हमें देखने को मिल जाएगा। तो चलो इसे अब यहाँ पर डायरेक्ट चालू करते हैं, और यहाँ पर ये शॉर्ट सर्किट हो सकता है मेरे ख्याल से। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो वायर है उसे मैं थोड़ा खोल लेता हूँ, खोलेंगे यहाँ पर तो थोड़ा सा हमें समय मिल जाएगा और अच्छी तरह से हम इसे टेस्ट भी कर पाएंगे। अब देखो वायर दूर दूर है, यहाँ पर लगा लेते हैं पॉजिटिव वाला वायर, ये यहाँ पर लग चुका है। अब जो ग्राउंड वाला पिन है तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर देंगे नेगेटिव को, ये देखो आप यहाँ पर देख सकते हो कि अच्छी तरह से यहाँ पर जो वोल्टेज है वो आ रहा है। अब इसे कंटिन्यू कनेक्ट करके छोड़ देते हैं, ये आप देखो यहाँ पर जो ब्लूटूथ का जो साउंड है वो यहाँ पर हमें सुनने को मिल चुका है। अब यहाँ पर ब्लूटूथ से सबसे पहले इसे पेयर करते हैं, और उसके बाद मैं म्यूजिक आपको चेक करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पर सुन सकते हो, यहाँ पर पेयर कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर थोड़ा सा वॉल्यूम को देख लेते हैं, वॉल्यूम यहाँ से एडजस्टमेंट सब ठीक है या नहीं है। वॉल्यूम देखो यहाँ पर मैं 45 पर सेट कर रहा हूँ, यहाँ से ओके करते हैं, 45 पर यहाँ पर सेट कर देते हैं इसे, 46 हो गया, कोई टेंशन नहीं है। अब चलो मैं आपको इसका जो साउंड क्वालिटी है वो मैं चेक करके बताता हूँ। यहाँ पर मैं सिंपली एक म्यूजिक को रख लिया हूँ, जो मैं आपको म्यूजिक अभी चेक करके बताऊंगा। अब मैंने आपको इसे पूरा टेस्ट करके दिखा दिया, परफेक्ट ये काम भी कर रहा है। काफी लोग ये बोलेंगे SMPS को तो दिखाई नहीं, देखो यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर SMPS जो है वो परफेक्ट काम कर रहा है, यहाँ पर मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है। अब बताओ अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होता है या आप अगर इसे अभी भी सोच रहे हो कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन पर फिर भी इसका लिंक देने वाला हूँ, आप खुद से चेकआउट कर लो। अगर आपको लगता है कि आपको इसे लेना चाहते हैं तो ले सकते हो, वरना आपकी मर्जी है। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, अगर आप चाहते हो आपके कमेंट पर वीडियो बनाई जाए तो जरूर से कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट पर वीडियो बनाई जाए। ये भी कमेंट पर वीडियो बनाई जा रही थी, जैसा भाई ने बोला था कि आप एक और क्लास डी एम्पलीफायर का अनबॉक्सिंग वीडियो लाओ, तो मैंने ले आया हूँ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।